फिजियोथेरेपी सर्जरी को रोकने वाला ट्रीटमेंट है। सर्जरी करा के करने के बाद इसको कर सकते हैं, बट अगर इसका ज़्यादा यूज करना है तो उसको सर्जरी के पहले कराइए आप। तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे प्री ऑपरेशन फिजियोथेरेपी, मतलब आपको कोई भी तरीके का सर्जरी हो, जैसे कार्डियक सर्जरी हो या फिर घुटन की सर्जरी हो या फिर कमर की सर्जरी हो, तो आप पहले से ही एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आप जा सकते हो और उसका रीहैब करा दीजिए। रीहैब का मतलब क्या है, अपने आपके शरीर को तैयार करने का, उस मसल्स को मजबूत करने का। होता क्या है जिज्ञासा, बेसिकली हर डॉक्टर उसकी इमीडिएटली सर्जरी कर देता है, फिर जब वो पेशेंट को तकलीफ होता है कि सर्जरी के बाद भी वो घुटने में चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, तब उसको बोलते हैं कि आप महीना दो महीना इसको फिजियोथेरेपी कराओ। हम तो एक्चुअली आपके चैनल के माध्यम से और अलग अलग चैनल में भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर्जरी कराने के पहले प्री सर्जरी, इसको बोलता है कि प्री सर्जरी आप अपने मसल्स को मजबूत कराइए, ताकि कोई भी तरह का इम्प्लांट अंदर शरीर में जाए और उस वो मसल अगर मजबूत नहीं होगी तो आपकी सर्जरी फेल होगी। ऐसे मेरे पास 10 में से कम 3 ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिन्होंने सर्जरी करा दी, बट उनका आज भी पेन चालू है। उसका रीजन क्या है कि डॉक्टर ने उसकी मसल स्ट्रेंथन नहीं कराई है, उनकी मांसपेशियों को मजबूत नहीं कराया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी सर्जरी आप कराओ तो मेहरबानी करके एक पहले आप एक अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर में जाओ और प्री सर्जरी एक उसका ट्रीटमेंट चालू कर दो, ताकि आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाए। भले कार्डियक बाईपास हो या नी रिप्लेसमेंट हो या स्पाइन की सर्जरी हो या हिप की सर्जरी हो, मेहरबानी करके अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके प्री ऑप उसकी पूरे एक सेशन ट्रीटमेंट ले लीजिए, ताकि आपकी मैक्सिमम बेनिफिट आपको सर्जरी में मिले।